नमस्कार, मैं चेतना खत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस मंच टीवी की पेशकश मंच कलाकार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंच टीवी हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित करता है, उन्हीं कलाकारों में आज हम रूबरू होने वाले हैं मोहित कारीरा से, जो पहले ही महाराष्ट्र सिंधी टैलेंट हंट के विनर रह चुके हैं। हाल ही में ही मोहित जी ने एक नेशनल लेवल सिंधी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिनके वो थर्ड रैंक विनर रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इसकी ज़्यादा जानकारी मोहित जी से। मोहित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने अभी जो आप थर्ड रैंक आए हैं इस कॉन्टेस्ट में, और उससे पहले आपने महाराष्ट्र लेवल पे आपने एक अचीवमेंट हासिल की थी, आप फर्स्ट रैंक आए थे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मंच टीवी की ओर से। तो मोहित जी, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मेरे जो दीपक वाटवानी जी है, VTV पूरी ग्रुप है और मेरी पूरी फैमिली का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिकॉज आपको पता है कि फैमिली और अपने गुरु के सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है। मैं आप सबको बता दूं कि महाराष्ट्र सिंधी टैलेंट हंट का मैं विनर रह चुका हूँ। ऑल ओवर महाराष्ट्र मैंने एक्टिंग में उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं फर्स्ट रैंक विनर हूँ। और अभी जैसे कि आपने बताया कि मैं नेशनल लेवल सिंधी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया और थर्ड रैंक वहाँ पे मैंने एंकरिंग में हासिल किया। मैं आप सबको बताना चाहूँ कि उल्लासनगर से एक मेरी कलीग भी है, एकता पंजवानी जी, जो कि फर्स्ट रैंक पर यहाँ पे विनर हुई है। वो किसी न किसी कारण आज आ नहीं पाई है, तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये जो कॉन्टेस्ट है, ये किस बारे में था, ये हम जानकारी देना चाहते हैं हमारे मंच टीवी के दर्शकों को। जी ज़रूर, ये विजन सिंधु चिल्ड्रन अकेडमी, जो कि अहमदाबाद की एक अकेडमी है, मिस्टर हरीश ककवानी जी जिन्होंने मुझे सुनहरा मौका दिया, जिन्होंने ये स्टेज रखी है हम लोग के सामने, स्टेज प्रेजेंट की जी, हम अपना कला का प्रदर्शन कर पाए पूरे नेशनल लेवल पर। तो मैं हरीश ककवानी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैम, जैसे कि आप सबको पता है, पूरे शहरवासियों को भी पता है कि जो हमारी सिंधी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बुक्स और स्कूल से ख़त्म हो चुकी है। तो सिर्फ ये इंटरटेनमेंट और ऑडियो विजुअली एक जरिया बचा है जिसके थ्रू हम लोग अपनी लैंग्वेज को जिंदा रख सकते हैं। सो बस हम कलाकारों की भी, हम यंगस्टर्स की भी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करें, अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दें। मोहित जी, हमारे जो पूर्वज थे वो सिंधी को उन्होंने बहुत आगे तक लाया है, उसके बाद यंगस्टर उनके लिए क्या कर सकते हैं हमारी सिंधी को बढ़ाने के लिए? जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे शहर के यंगस्टर्स हैं या हमारे सिंधी कम्युनिटी के यंगस्टर्स हैं, वो जब तक अपने आप को कोई भी चीज़ में कूल फील नहीं करवाते तब तक वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो सिंधी युवा रंगमंच, जो कि मेरी ग्रुप है, हम लोग इसी तरीके के वैरायटी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, स्टेज शोज करते रहते हैं यंगस्टर्स को साथ लेके। बिकॉज कहीं ना कहीं यंगस्टर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सिंधी कम्युनिटी को बढ़ावा दे सकती है। सो सब सिंधी कलाकारों को लेके हम लोग ये शोज करते हैं एंड सब नाटक करते हैं, जैसे कि वो ये चीज़ों में इन्वॉल्व रहे और सिंधियत को बढ़ावा दे। और हाल ही में जैसे कि डॉक्टर रोशनी तोलानी जी और सिंधी युवा रंगमंच के फाउंडर मैम मोहित कारीरा ने मिलके एक सिंधीज गॉट टैलेंट करके एक सिंधी वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो सिंधी कलाकार है वो कहीं ना कहीं पे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और बहुत ही बड़ी वर्ल्ड लेवल पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और हम लोगों ने कुछ कैश प्राइजेस और हैंडसम रिवॉर्ड्स रखे जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कूल जब तक फील नहीं करेंगे तब तक, और ये सब चीज़ों को वो कूल फील करें और अपनी सिंधियत को बढ़ावा दे, इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे सिंधियत के लिए। और मैं मंच टीवी का और कोणार्क न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमेशा हम कलाकारों को शहर के सामने लेके आते हैं, हमारी जो कला है वो शहर के सामने रखते हैं। तो सबसे ज्यादा थैंक यू मैं आपका और मंच टीवी की पूरी टीम का करना चाहता हूँ। तो मोहित जी, आपकी जो सोच है उसको देख के हमें बहुत ही खुशी होती है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि मोहित जी के जैसे ही बाकी जो यंगस्टर्स हैं आज के, वो इनसे कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में आप आगे कुछ करिए, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप करिए और कामयाबी को हासिल करिए। तो मोहित जी, मंच टीवी और कोणार्क न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करिए और सिंधियत का नाम हमेशा रोशन करिए। थैंक यू सो मच मैम, मैं मंच टीवी और कोणार्क न्यूज़ की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंच टीवी और कोणार्क न्यूज़ हमेशा हम कलाकारों को आगे लेके आते हैं, शहर तक हमारी जो न्यूज़ है, अचीवमेंट्स है वो लाते। सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं इन सबका, मंच टीवी एंड कोणार्क न्यूज़ का, जो हमें इतना बड़ा स्टेज देती है और आप सबके सामने हमारी कला का प्रदर्शन करवाती है। तो ये थी हमारी मंच टीवी की पेशकश मंच कलाकार। फिर से हम मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।